मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि भगवान राम के ज़माने में कृष्ण जी के ज़माने में अगर ये न्यूज़ चैनल्स होते तो हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है पढ़ने को नहीं मिलता वो सब टेलीविज़न में ही लोग देख लेते किस तरह से बातें होती हैं अगर उस जमाने में न्यूज़ चैनल होता इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है जहाँ अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए हैं आइए आपको सीधा हम लिए चलते हैं मौका वारदात और देखते हैं पूरा मामला क्या है आ, आ, राहुल क्या मामला है ये कौन थी महिला उस युवक ने इसके नाक कान क्यों काटे हैं हेलो 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 हाँ हेलो आवाज आ रही हाँ हेलो हाँ ये ये पहली महिला है जो बिना पासपोर्ट के श्रीलंका से आई थी और ये आके भगवान राम को छेड़ने लगी राम ने धैर्यपूर्वक उसको बर्दाश्त किया लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो लक्ष्मण ने अपनी खुखरी निकाल के इसके नाक कान काट दिए हैं ये महिला का नाम सुपनखा बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक बाहुबली परिवार से है इसके भाई का बहुत बड़ा टेरर था तो वो खुखरी खुखरी जिससे नाक कान काटे गए खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई थी यहां सारे नाली में गटर में खुखरी ढूंढी जा रही थी खुखरी तो नहीं मिली लेकिन यहाँ के निवासी इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि इस बहाने के नाले और गंदगी साफ हो गए अब आइए आपको हम श्रीलंका ले चलते हैं और देखते हैं कि इसके परिवार में क्या रिएक्शन है और इसके भाई साहब वो आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं दीपक आप इस वक्त श्रीलंका पहुंच गए अभी तक क्या रावण से मुलाकात हुई तो कर ले मुलाकात रावण से खुद स्टूडियो में बैठे बैठे बोलता रहता है यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ कहाँ चले आए यार हम? या आखिरी रिपोर्टिंग ना हो यहाँ सर कटे आदमी घूम रहे हैं अभी अजंता मेडिस के चाचा मिले थे जय महिला आप आप जय महिला वर्धन फैमिली से हो अच्छा अच्छा मौसेरे भाई हो अच्छा 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 सब रावण की फैमिली के लोग मिल रहे हैं यहाँ पर अभी ये मेरे बगल में तीन आदमी खड़े थे अब दो रह गए हैं इन लोगों ने एक को खा लिया है अभी तक क्या केके से बात हुई केके से अभी ये केके कौन कुमकरन हाँ मैंने केके से केके से बात हेलो कुमकरन जी बताइए जो आपकी भतीजी के नाक कान काटे गए तो ये तो सोने में लगे हुए हैं इनका एक ही सिद्धांत है किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइे आराम बड़ी चीजें मूढ़ के सोइए इनके सोने से सिद्ध होता है कि श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं आप रावण से बात करने की कोशिश कीजिए रावण से हाँ कोशिश कर रहे हैं कमी ने हाँ मैं मैं उनके इस वक्त प्रतीक्षालय में बैठा हूं अभी दो राक्षस आई थी दो बाल्टी खून देके गई हैं कह हैं कि जब तक तैयार हो रहे हैं तब तक आप सूप समझ के पीते रहो हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक <laughs> मैं, मैं अपने आप को जरा तैयार कर लूं हाँ रावण जी हल मैं लंकेश हाँ था, 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 मैं ब्रह्मा मैं विष्णु मैं महेश मौत मेरी पार्टी में वो तो सबको पता है आप सिर्फ भी बता दीजिए मैं चला जाऊँगा एक कोई अच्छी टैग लाइन दे दीजिए मैं निकल जाऊँगा मैं खुद ही नहीं रुकूंगा ज़्यादा आप सिर्फ इतना बता दीजिए आपकी जो सिस्टर हैं उनके जब नाक कान काटे गए तो आपको पता कैसे चला उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था आज तक आज तक से मुझे पता चला कि मेरी बहना के नाक कांड लक्ष्मण ने काट बस बस मेरा काम हो गया आप जाओ भाड़ में दोस्तों आपने देखा सबसे तेज चैनल आज तक देखते रहिए थैंक यू थैंक यू अब आज तक की बदौलत कहें या जैसे भी धीरे धीरे हमारे तमाम नेताओं की हिंदी अच्छी होती जा रही है काफी जगह वो बेचारे अटके है अगली सेशन में और अच्छे तरह से आएंगे एक जगह बोल रहे थे हाँ एक एक बहुत अच्छी बात जो संस्कृति है हमारी उसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा शिंदे साहब ने बोले अफजल जी ये बड़ा ऐसे नहीं कोई गृहमंत्री बन जाता है तो इतनी आदर देना चाहिए जो भी विशेष लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में आदरणीय दाऊद साहब छोटा शकील जी ये अपनी अपने क्षेत्र की सेलिब्रिटी हैं इसलिए शायद उनको अभी सम्मान में दिया गया मैं शिंदे साहब को धन्यवाद देता हूँ लेकिन आ, बात सही है लेकिन ये तो मज़ाक की बात है लेकिन कभी हमारे महाराष्ट्र के नेता या साउथ इंडियन आ, जो नेता कभी मैंने देखा फंक्शन में आते हैं और हिंदी फंक्शन में आ गए उनका सत्कार हुआ और उनको दो शब्द बोलने को कहा गया तो कई बार हिंदी ठीक से आने ना आने की वजह से वो वो भी अटक जाते हैं सत्कार के बाद एक नेताजी बोल रहे थे अभी आप लोगों ने जो मेरा ये किया है इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ये है और आप लोग जो ये कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा ये है कभी भी मेरे लायक कुछ भी ये होएगा तो आप मेरे को रात को भी ये करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा